नमस्कार, आपका स्वागत है जून 2018 के सेकेंड वीक रोजगार समाचार में। इसमें केंद्र सरकार द्वारा जारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का कंटेंट शामिल है जो 8 से 15 जून 2018 अंक का है, मतलब जून सेकेंड वीक का। इसमें करीब 16 से अधिक विभागों में अच्छी खासी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि अगली वैकेंसी आपके काम की हो। हाँ, यहाँ हर विभाग के वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां जाकर आप डिटेल देख सकते हैं। ये वीडियो हर संडे रात 8 बजे आता है, तो शुरू करते हैं रोजगार समाचार का ताज़ा एपिसोड। पहली वैकेंसी IBPS से है। यहां रीजनल रूरल बैंक्स के लिए भर्ती चल रही है। करीब 56 ग्रामीण बैंक हैं। पद हैं 10,190। ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के पद हैं। एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 28 ईयर है फॉर ऑफिस असिस्टेंट और 18 to 30 ईयर है फॉर ऑफिसर SK1। ठीक है, इसी तरह आगे है SK2 और SK3 के लिए एज लिमिट 40 ईयर तक है। लास्ट डेट है 2 जुलाई 2018। एग्जामिनेशन फी 600 रुपीज़। ये फॉर्म भरा जा रहा है, ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। ठीक है, अगली वैकेंसी है UPSC से। यहाँ NDA की भर्ती चल रही है। 383 पद हैं ऑफिसर्स के। एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए या इक्विवेलेंट। एज लिमिट की बात करें तो आपका जन्म होना चाहिए 2 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2003 के बीच में। ठीक है, लास्ट डेट है 2 जुलाई 2018। एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज़ और सैलरी है गुड, ऐसा बताया गया है। अगली वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से। यहाँ कमिश्नर ऑफ हेल्थ मेडिकल एंड मेडिकल एजुकेशन यानी मेडिकल सर्विसेज के लिए भर्ती हो रही है। पोस्ट हैं 1466 स्टाफ नर्स के। एलिजिबिलिटी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन होनी चाहिए नर्सिंग में। एज लिमिट मैक्सिमम 40 इयर्स है। लास्ट डेट 21 जून 2018। एग्जामिनेशन फी 300 रुपीज़ है और सैलरी यहाँ पर मिलेगी 29,200 से 62,300 रुपये पर मंथ। देखिए, मैं जो भी बता रहा हूँ, एज लिमिट ठीक है और एग्जामिनेशन फी, इन दोनों के रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट है। ये हर भर्ती के लिए यही नियम है। ठीक है, अगली वैकेंसी है MP व्यापम से। यहाँ 169 नायब तहसीलदार के पद हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन। एज लिमिट 21 से 45 इयर्स। लास्ट डेट है यहाँ 18 जून 2018। एग्जामिनेशन फ़ी है 900 रुपीज़, काफ़ी ज़्यादा है। सैलरी यहाँ मिलेगी भर्ती होने के बाद 9,300 से 34,800 प्लस ग्रेड पे होगा 3600 रुपये पर मंथ। ओके, अगली वैकेंसी भी मध्य प्रदेश से है। ये MPPGCL यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ प्लांट असिस्टेंट ITI ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एलिजिबिलिटी 10th प्लस ITI होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 45 ईयर्स है। लास्ट डेट 12 जुलाई 2018। एग्जामिनेशन फ़ी 1,000 रुपीज़ है, काफ़ी ज़्यादा है। और सैलरी मिलेगी भर्ती होने के बाद 25,300 से 80,500 रुपये पर मंथ। अगली वैकेंसी है साहित्य अकादमी से। यहाँ मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत है यानी MTS की। एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स है। लास्ट डेट 1 जुलाई 2018। सैलरी यहाँ पर मिलेगी 18,000 से 56,900 रुपये पर मंथ। ठीक है, अगली वैकेंसी है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI लखनऊ में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है। यहाँ हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद हैं। एलिजिबिलिटी PG डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। 9 जुलाई 2018 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी के बारे में डिटेल नहीं दी गई है, बताया गया है गुड सैलरी मिलेगी। अगली वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से है। ये पोस्ट हैं मैसेंजर के। ठीक है, एलिजिबिलिटी ओनली 10th पास। ठीक है, आप भर सकते हैं अगर 10th पास हैं तो। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। लास्ट डेट है 4 जुलाई 2018 और सैलरी यहाँ मिलेगी 18,000 रुपये पर मंथ प्लस अदर अलाउंसेज होंगे। अगली वैकेंसी है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से। यहाँ 129 जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पद हैं और फायरमैन और अदर भी है। ठीक है, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी मांगी गई है। किसी के लिए 10th है जैसे फायरमैन वगैरह के लिए, और डिप्लोमा अलग पद के लिए, और ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो 18 to 30 ईयर्स है। लास्ट डेट 17 जून 2018। एग्जामिनेशन फी होगा 235 रुपीज़। सैलरी यहाँ मिलेगी 9,000 रुपये से 16,400 रुपये पर मंथ। अगली वैकेंसी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL में। पद हैं 141 इंजीनियर, डिप्टी मैनेजर और
जूनियर अकाउंटेंट के, एलिजिबिलिटी बीटेक या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट मैक्सिमम 47 ईयर्स है, लास्ट डेट 20 जून 2018, और सैलरी यहाँ पर बेहतरीन है, 13,800 से 2,80,000 रुपये पर मंथ। ये अलग अलग पदों के अनुसार ये बढ़ती जाएगी सैलरी, ठीक है। अगली वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से है, यहाँ 100 कांस्टेबल के पद हैं। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10th पास, एज लिमिट 18 to 28 ईयर, लास्ट डेट 16th जुलाई 2018, एग्जामिनेशन फ़ी है 300 रुपीज़, और सैलरी यहाँ पर अच्छी मिलेगी 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ। अगली वैकेंसी है मेल मोटर सर्विस हैदराबाद, ये भारतीय डाक का हिस्सा है। यहाँ स्टाफ कार ड्राइवर के पद हैं, 10th पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई के लिए, एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, लास्ट डेट 25th जून 2018, और सैलरी अच्छी है 19,900 रुपये पर मंथ। अगली वैकेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान, यानी DMHFW से। यहाँ 1,257 असिस्टेंट रेडियोग्राफर के पद हैं, एलिजिबिलिटी 10th पास होनी चाहिए प्लस रेडियोग्राफी में डिप्लोमा की भी ज़रूरत होगी। एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है, लास्ट डेट 28th जून 2018, एग्जामिनेशन फ़ी है 500 रुपीज़। अगली वैकेंसी बिहार पुलिस से है, देखिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली बार भी मैंने बताया था, मुझे लगा कि अच्छी वैकेंसी चल रही है तो इसके बारे में बता देना चाहिए। ये पद हैं 11,865 कांस्टेबल के, एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है, लास्ट डेट है 30 जून 2018, एग्जामिनेशन फ़ी है 450 रुपीज़ ओनली। अगली वैकेंसी है यूपी SSSC से, यहाँ 1953 ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के पद हैं, एलिजिबिलिटी 12th पास होनी चाहिए, एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है, अच्छे खासे है मौके ज़्यादा उम्र वालों के लिए, लास्ट डेट है 25 जून 2018, एग्जामिनेशन फ़ी है 185 रुपीज़। अगली वैकेंसी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF से, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के, एलिजिबिलिटी 10th फॉर कांस्टेबल है और ग्रेजुएशन है और SI यानी सब इंस्पेक्टर के लिए। एज लिमिट की बात करें तो 18 to 25 ईयर्स है कांस्टेबल के लिए और 20 to 25 ईयर्स है सब इंस्पेक्टर के लिए, लास्ट डेट 30 जून 2018 है, एग्जामिनेशन फ़ी 500 रुपीज़ है और सैलरी अच्छी खासी है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए भी अप्लाई चल रहे हैं। ओके, अगली वैकेंसी है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी RPSC से, यहाँ 13,292 असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, स्कूल लेक्चरर और सीनियर टीचर की बहाली चल रही है, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन या PG डिग्री है, एज लिमिट 18 to 40 ईयर्स है, लास्ट डेट 30 जून है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, एग्जामिनेशन फ़ी है 300 रुपीज़। इन सब के अलावा 50 से भी अधिक विभागों और PSU में भर्तियां चल रही हैं इस वक्त, जिनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लें, वहां मिल जाएगा ऑल करेंट गवर्नमेंट जॉब्स का। अब रोजगार समाचार का अगला वीडियो संडे की रात 8 बजे आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ये बेल आइकन है इसे ज़रूर दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।